पांच नमाजें पढ़ने में कितना जोर लगता है। अल्लाह के वास्ते बच्चों नमाज ना छोड़ो, किसी हाल में नमाज ना छोड़ो। 1439 साल में सिर्फ एक मौका है जिसमें नमाज छोड़ने का मुझे कुछ गुंजाइश नजर आती, वो करबला का मैदान है। मेरे नबी के नवासे ने सर दे दिया, नमाज नहीं छोड़ी, और ये ऐलान किया कि जेर खंजर में ये पैगाम सुनाया हम, नमाज ना छूटे। इस उम्मत की अल्लाह से कुर्बत की सबसे बड़ी नेमत नमाज है। मेरे नबी ने फरमाया जब आदमी सजदा करता है तो अल्लाह के कदमों में सर रखता है। तो मैं सबसे ये झोरी फैला के कहता हूं, नमाज ना, कभी छूट जाए कजाई दो, कभी छूट जाए कजाई दो, कभी छूट जाए कजाई दो, लेकिन नमाज छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं। मेरे नबी के दुनिया से जाते हुए आखिरी अल्फाज थे, अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। रोजा साल के बाद है और उसमें बीमार है तो छुट्टी है, मुसाफिर है तो छुट्टी है, जकात मालदार के लिए है, हज मालदार के लिए है, फर्ज जो सरों पर कायम है वो नमाज है। मैं सारी अपनी नस्ल के सामने बच्चे बच्चियों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन बड़ों के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह रसूल के वास्ते सजदे से बागी ना हो, सजदे से बागी ना हो, सजदे से बागी ना हो। न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़ बंदन आवाज में, और कहीं जाए बना नहीं सिवाय अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से। तो मैं सबसे अपील करूंगा बच्चे बच्चियों से, असाज़ा से, टीचरों से, प्रोफेसर से, वीसी से, और सारे जितने भी अमला ये खड़ा हुआ है, पहरेदार खड़े हुए, गार्ड हैं, अल्लाह रसूल के वास्ते ये कैमरामैन हैं, नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। मेरे नबी ने फरमाया जुअलत कुर्रतु ऐनि फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जन्नत में अगर किसी चीज की कमी महसूस होगी तो नमाज की कमी महसूस होगी।